मैं इस वक्त रामपुर के मसवासी में हूँ और आप देख सकते हैं ये पल्स हॉस्पिटल है। इसी में जो है एक महिला की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें स्वास्थ्य महकमे की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिला के जिस तरीके से झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो लगातार महिलाओं को मौत के घाट उतार रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की बड़ी कमी है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जो हैं खुलेआम महिलाओं को मौत के घाट उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं आखिरकार किस तरीके से ऑपरेशन के दौरान इस महिला की मौत हुई। हालांकि परिवार में जो है सदमा है इस बात का कि झोला छापों ने ऑपरेशन किया है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के सूचना के बाद सीएमओ विभाग की टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है, इस हॉस्पिटल को सील कर रही है। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से इसी हॉस्पिटल के अंदर जो झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया जा रहा है ऑपरेशन किया है। उसके बाद ये लोग महिला की हालत बिगड़ी उसको काशीपुर के लिए रेफर किया और रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया और उसके बाद जैसे ही महिला की मौत हुई उसके बाद ये लोग शटर गिराकर फरार हो गए। तो कुल मिला के रामपुर जिले के अंदर लगातार महिलाओं की मौत हो रही है और कुल मिला के स्वास्थ्य महकमा जो है इन पर अगर नकेल कसे तो वाकई ये जो जिस तरीके से मौतें हो रही हैं ये रुक सकेंगी, क्योंकि FIR होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, तभी ये लोग जो है सुधरेंगे। नहीं तो इन पर ऐसे ही महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाएगा। तो एक महिला की मौत हुई है, ऑपरेशन के बाद बताया जा रहा है उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट किया था, बाद में जो है उसका ऑपरेशन कर दिया। परिवार वालों ने सीधा आरोप लगाया है कि जानबूझ के बड़ी लापरवाही की, महिला का रक्त ज्यादा बहने से उसकी मौत हुई है। तो कल हालांकि ये जांच का विषय है, सीएमओ विभाग इस बात की जांच करेगा, मगर सवाल यह है कि आखिरकार जिंदगियों से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है ये जवाब देगा सीएमओ विभाग। वीडियो जल्दी परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नाम बताइए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा अहमद नूर। ये जो खत्म हुई है कौन है आपकी? मेरी बीवी। क्या हुआ था, कहाँ आपने एडमिट करा था, कौन सा अस्पताल में करा था, क्या होने वाला था, पूरी बात बताओ। अच्छा, नाम है इसका पल्स। पल्स में मैंने भर्ती करा, इन्होंने बोले ब्लेड चढ़ा हुआ, मैं ब्लेड लेकर आजपुर से आ गए, इन्होंने पता ना ग्रुप सही मिला नहीं मिला उसका ब्लेड चढ़ा दिया, उसकी जो है नसें ब्लॉक हो गई सारी। ठीक। उसके बाद में जो है उसे नॉर्मल करा, उसके बाद में सुबह को इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, उसकी कोई नस काट दी इन्होंने अंदर से, ब्लीडिंग हो गई नीचे से, अरे सब खून निकल गया। फिर उसके बाद में जो है जब दम थोड़ गया तो फिर काशीपुर भेज दिया इन्होंने मुझे, बोले काशीपुर लेकर जाओ इसको। तो डेड हो गई उसकी, रास्ते में डेड हो गई है, हो गई डेड, तो वो खाली बहाना था। तो तुमने जाना कि कौन कौन डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, कहाँ के डॉक्टर थे? काशीपुर का था वो डॉक्टर जी। तो ये लोग अब तो ये बंद करके चले गए, फरार हो गए? हाँ फरार हो गए। ये तो आपने कोई कंप्लेंट करी? अभी नहीं करी है हमने कंप्लेन। 10 मिनट में बोतल चढ़ा रहे हैं तो आज पेशेंट तो मरे भाई, हर 10 मिनट में बोतल पूरी खत्म कर दे रहे हैं। तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? करेंगे साहब जो भी कारोबार होगी। देखिए सुबह ज्ञात हुआ था कि पल्स हॉस्पिटल में किसी महिला की मृत्यु हुई है ना, तो उसको लेके अभी आए थे तो बंद था, इस पर कार्रवाई करके उसको सील कर दिया गया है। बाकी